रहना, फिर अस्वस्थता का कारण दिखाकर वो जमानत पर रिहा होना कि वो अस्वस्थ है, काफ़ी चल फिर नहीं सकते हैं, और लोगों के सामने फिर वोट मांगने के लिए पहुंच जाना। तो इस बार कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र में लोग मन बना चुके हैं कि पार्टी की बात नहीं है, लोग मन पूरी तरह से बना चुके हैं कि हम एक साफ छवि वाले नेता को चुनकर सांसद बनेंगे। इस बार चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं, मुकाबला भी चौतरफा होने वाला है, तो ऐसे में कितना लगता है कि आपकी पार्टी को या आपके कैंडिडेट को लाभ मिलेगा? देखिए, हमारा मुकाबला तो तृणमूल कांग्रेस से है, कांग्रेस और सीपीएम तो कहीं रेस में ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम के भी जो केडर, उनके भी जो पार्टी समर्थक, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति उनका भी मन बन चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जिस तरह से गणतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है, यहाँ तो प्रजातंत्र खतरे में। आपको भारतवर्ष में कहीं भी चुनाव के समय में एक राजनीतिक हिंसा नहीं देखने को मिलती, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से विरोधी दल के कार्यकर्ता मारे जाते हैं, नेता तक नहीं बचते, उनके काफिला पे हमला होना, गाड़ी पे हमला होना, तो लोग पार्टी से हटके जो समर्थक कांग्रेस या सीपीएम के भी होंगे, वो भी इस बार तैयार है कि बीजेपी को वोट देकर तृणमूल कांग्रेस को किसी भी तरह से हराना है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई सीटें जीतने का दावा किया है, और पिछले सभा में मोदी जी यहाँ में आकर कहा कि हम 30 सीट जीतेंगे, तो आपको क्या लगता है कितने सीट आप जीत पाएंगे बंगाल से? देखिए, बंगाल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने जैसे बोला कि 23 सीट हम लोग यहाँ से जीतने का हम लोगों का पूरा है, हमारा जो सर्वे है उसमें 23 सीट हम लोग यहाँ से जीतेंगे, और इस बार जो 2019 के चुनाव में 23 सीट जीतेंगे, और 2021 में ममता बनर्जी का यहाँ से विदाई होगी। अच्छा, चौथे चरण से लेकर पांचवें चरण, प्रथम चरण, सब चरणों में जिस तरह के केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किए जाने की बात हुई थी कि स्वस्थ रूप से चुनावों पर, प्रथम चरण से लेकर पांचवें चरण तक सभी चुनावों में केंद्रीय सुरक्षा बल होने के बावजूद भी दंगे हुए, हमले हुए, कैसे देखें इस बात? देखिए, केंद्रीय सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल जो आते हैं का, तो वो तो यहाँ के रास्ते, यहाँ का लोकेलिटी, ये सब तो वो पहचानेंगे नहीं, ये तो राज्य के पुलिस का दायित्व तो बनता है कि उनको सही जगह पर डिप्लॉय किया जाए, उनको सही जगह पर रखा जाए, जो संवेदनशील बूथ है वहाँ पर उनको ले जाया जाए। ये तो केंद्रीय सुरक्षा बल, वो तो जानकार यहाँ के हैं नहीं, यहाँ के विषय में जानते नहीं। अब राज्य पुलिस जहाँ पे पीसफुल इलेक्शन हो रहा है, जहाँ कोई हिंसा का कोई वहाँ लक्षण ही नहीं दिख रहा, वहाँ उनको लेकर चली जा रही है, और जो सेंसिटिव बूथ है, संवेदनशील बूथ है, वहाँ उनको नहीं लेकर जा रही है, तो इसमें अर्धसैनिक बल का कोई दोष नहीं है। तो चुनाव आयोग पे कोई आरोप आप लोगों का है इसको लेकर? चुनाव आयोग किस तरह काम कर रही है? चुनाव आयोग को देखिए, चुनाव आयोग के हम लोग विरोध प्रदर्शन भी किए हैं, चुनाव आयोग का जिस तरह से उनको सेंसिटिव बूथों को चुनना, या जिस लोकसभा क्षेत्र में कहाँ किस तरह से कोई वायलेंस हो सकता है पॉलिटिकल, वो उस पर कुछ फेलियर चुनाव आयोग रहा है। मतलब अब तक की जितने भी चुनाव हुए हैं पांच चरण तक, आप लोग संतुष्ट हैं चुनाव प्रक्रिया से? बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आयोग भी आप ही के केंद्र की है, मान लीजिए उस तरह से आई है, और यहाँ पे केंद्र बल भी आप ही ने कहा था, आप ही की सरकार ने कहा था कि केंद्र बल चाहिए बंगाल में, तो आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग का हम पहले ही आपको ये बताएं कि अर्धसैनिक बल का डिप्लॉयमेंट तो राज्य पुलिस के ऊपर है, वो उनको मैप देगी, वो उनको डिप्लॉय करेगी, ये तो राज्य पुलिस, यहाँ पर राज्य पुलिस तो स्वतंत्र है नहीं, ये तो पूरा ममता बनर्जी की पुलिस हो चुकी है। यहाँ हालात ये हैं कि आपको राज्य पुलिस के कई अफसर तृणमूल कांग्रेस के स्टेज पे बैठे हुए दिखते हैं, ये हालात। जब उत्तर कलकत्ता में बड़ा बाजार क्षेत्र भी आता है, काशीपुर भी आता है, यहाँ पे काफ़ी व्यवसायी वर्ग है, तो क्योंकि GST और नोटबंदी का असर चुनाव पर देखने को मिलेगा? देखिए, ये विरोधी इस चीज़ को उठाते हैं, GST और नोटबंदी का कोई असर नहीं है, कोई लोगों के अंदर इसका कोई गुस्सा नहीं है, ये तो मंच से ममता बनर्जी चिल्ला रही है, क्योंकि उनको जमीन पाँव के तले से सरक रहा है, वो तो खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, अब उनके जो गठबंधन, महागठबंधन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री कोई नाम ही नहीं ले रहा है, कि कोई इनका नेता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री बनेगा, तो GST और नोटबंदी कोई अब मुद्दा नहीं है, अभी विकास का मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है, लोग विकास की तरफ देख रहे हैं, और देश जिस तरह से उन्नति के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे दौड़ रहा है, लोग उसके समर्थन में नरेंद्र मोदी के साथ में है। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बयानबाजी हुई, कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा
का उल्लंघन हो रहा है, क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग राजनीति में करना उचित है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बंगाल से बता दूं, हम लोग जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी यहाँ भी आए हैं, हमेशा उनका उनकी भाषा इतनी शालीनता से वो बात किए, दीदी छोड़कर दूसरे शब्द ही नहीं यूज किए। लेकिन ये मुख्यमंत्री जब रास्ते में चल रही है, रास्ते में चलते हुए अगर किसी ने जय श्री राम कह दिया तो वो गाड़ी रोक कर उतर कर और उस लड़के को दौड़ा रही है और बोल रही है कि इसने गाली दिया, तो ये मुख्यमंत्री खुद आपा खो रही है, ये अपना परिचय खुद दे रही है। यार, इनके अंदर इतना बौखलाहट क्यों है? क्या जय श्री राम बोलना पाप है? आज इनके मंच से तो पहले तो इनके मंच से आपको सुनने को मिलता था कि ये अल्लाह अकबर बोलती थी, आज क्यों नहीं बोल रही? आज उनको जय श्री राम खराब लग रहा है और वो खुद ही बोल रही है, दुर्गा जी का माँ दुर्गा का श्लोक पढ़ रही है और क्या क्या कर रही है। तो ये तो बौखलाहट आप सीधे तौर पे उनके चेहरे पे देख सकते हैं, क्योंकि वो जान रही है कि उनको यहाँ पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अच्छा, भाटपाड़ा से अर्जुन सिंह थे, भाजपा में आए हैं तृणमूल से, मतलब मदन मित्रा को तृणमूल ने अपना गोटी बनाया, चेस की गोटी की तरह, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जो देखिए, भाटपाड़ा चार बार श्री अर्जुन सिंह जी के पिताजी वहाँ पर मिले रहे हैं, चार बार खुद अर्जुन सिंह जी वहाँ मिले रहे हैं, और इस बार जो उपचुनाव हो रहा है इसमें अर्जुन सिंह जी के जो लड़के हैं पवन सिंह, वो खड़े हैं। भाटपाड़ा की जनता अर्जुन सिंह ने जिस तरह से काम किया है वहाँ, जिस तरह से लोगों को रोजी रोटी से लेकर, रोजगार से लेकर, छोटे मोटे व्यवसाय कराने से लेकर, या दुख सुख में लोगों के साथ खड़े रहे, हम लोग इस चीज़ तो पूरी तरह से, हम लोग अर्जुन सिंह जी के लिए भी हम लोग पूरे निश्चिंत हैं कि अर्जुन सिंह जी बहुत भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। रही बात उपचुनाव की, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पवन सिंह वहाँ के रहने वाले लड़के हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े होने वाले लड़के हैं, न कि मदन मित्रा जैसे पैराशूट कैंडिडेट। वो तो बाहर से आए, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनको कमर हट्टी से खुद हार के गए। तो जो वहाँ के माटी के जो है, जो सेवा कर रहे हैं लोगों को, लोग उनके साथ। दिनेश त्रिवेदी, ये तो गुजरात के रहने वाले हैं, यहाँ के तो है नहीं। इधर पश्चिम बंगाल में भाजपा को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? 23 सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसा बताया, हम लोग 23 सीट की आशा। अच्छा, वहाँ तृणमूल ने क्या किया, 42 से 42 सीट और आपके यहाँ 23 सीट, कुल मिलाकर जितने सीट, कितने सीट मतलब कहाँ से सीट जुगाड़ करेगा, किसको कहाँ क्या मिलेगा? ममता बनर्जी का ख्वाब है प्रधानमंत्री बनने का, अब वो किस कैलकुलेशन से 42 देख रही हैं ये तो वही बता पाएंगी, लेकिन उनका ख्वाब तो पूरा होना नहीं है, ये तो असंभव है, क्योंकि उन वो जिस महागठबंधन की बात कर रही हैं, उस महागठबंधन में अभी तक किसी ने नेता ही नहीं तय किया है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। यूपी में जिस तरह से गठबंधन बना है अखिलेश यादव जी और मायावती जी ने, और 2-3 पार्टियों को मिलाकर जो उनका गठबंधन है, इसका असर भाजपा पर कितना पड़ेगा, क्या 70-72 सीट के आप इस बार ला पाएंगे? ये देखिए, उत्तर प्रदेश बिहार ही नहीं, किसी भी राज्य में लोग इस बार विकास को देख रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने आयुष्मान योजना, उज्ज्वला ग्रामीण सड़क योजना, जनधन अकाउंट, स्वच्छता अभियान, गांव गांव तक जिस तरह से आज सुलभ आपका शौचालय का निर्माण करवाना, तो लोग विकास को देखते हुए वोट दे रहे हैं। आप देखिएगा इस बार जाति पाति या धर्म इससे ऊपर उठकर लोग वोट कर रहे हैं, लोगों के अंदर है डेवलपमेंट, विकास, विकास के ऊपर। सर, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने गंगा सफाई के तहत 20,000 करोड़ रुपये का अनाउंसमेंट किया था और उसमें केवल 2,000 करोड़ ही वो आवंटन कर पाए। आप बनारस जाके देखिए, जिस क्षेत्र से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद, बनारस का पूरा चेहरा बदल चुका है। बनारस आपको देखकर कुछ दिनों बाद समझ में आएगा कि आप किस शहर में कदम रख रहे हैं। वाकई वहाँ के लोग, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वहाँ के लोग, हम लोग संपर्क रखते हैं बनारस से, वहाँ के लोगों से पूछिए, वो लोग बोलते हैं कि कम से कम माननीय प्रधानमंत्री यहाँ से 5 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे।